ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। 100 रुपए कैसे हो गए पेट्रोल? हम दुआ करेंगे कि तेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। मोदी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जब तक मोदी जी इस देश में है ना, तब तक महंगाई की कोई चिंता मत। अरे मोदी जी को सपोर्ट करते हो तो समझ लो टंकी धक 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 फुल। ये पेट्रोल का प्राइस कैसे बढ़ रहा है? ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ, आपके पापा ने किया। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। ये थोड़ा आराम से चलाओ, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं पे रोक दे, यहीं पे रोक दे। अब शेर पालोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शेर बेच के गधा पाल ले हैं? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर, आप चाहें तो 1-2 लीटर पेट्रोल डलवा दूं। जी नहीं, कूल। अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो। भाई जो बहनों, मुझे साफ नजर आ रहा है हम सब ने जनता को लूट लिया है। आप बैठ जाइए, सुराते ही हो गए। सुनो, ये वही है ना? हाँ सर, वही है। दिखने में एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है सर। मतलब इसने जो किया है अभी तक यकीन नहीं होता है। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है। जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं, जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया। सूट पहन लेता है 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घर या 1.5 लाख का चश्मा, कहता फकर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं। क्या सॉलिड बात बोल रहे हैं मोदी जी। भीड़ इकट्ठी करके चूना लगा रहे ऑडियंस को, ताकि ऐसा लगे कि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में कोई प्रोटेस्ट कर नहीं रहा है। खालिस्तानी है, खालिस्तानी। मोदी जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप ना अपना भी एक स्टैचू बनवाई डालो, ताकि दुनिया को भी लगे कि आपके अच्छे दिन। अभी अच्छे दिन दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? तुम लोग भी दो क्या? अरे 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी को वोट दो। मैं नहीं देगा रे। अरे मोदी जी को वोट दोगे तब वो 18 घंटे काम करेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे ना? हाँ, लिखा तो है कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। तुम दोनों को मेरे ऊपर विश्वास है ना? हाँ। मेरे को मोदी जी पे विश्वास है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ओके, खूब चांगला मारो साहिर।
मोदी जी के राज में सब बढ़िया, सब चंगा से। ये तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। 100 रुपए कैसे हो गए पेट्रोल? 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा बोल के हमसे वोट लिया था, आज यहाँ आए तो पता चला कि सब जुमलेबाज थे। क्या? हा? अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मैंने कहा था कि ये मोदी भक्त है, मत आना इसके चक्कर में, देश बर्बाद हो जाएगा, बोला था मैंने। मैं भी वही सोच रहा था, वो मोदी जी इतने भोले मुझे क्या पता था वो देश को चूना लगा के निकल जाएंगे। हमारे मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये चुप कर तेरे मोदी, ये साला अंधभक्ति पनौती है। कितना झूठ बोलते हैं मोदी जी हमसे। ए तुम दोनों चुप बैठे हो इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। मेरी खोपड़ी सन की ना तो दांत तोड़ दूंगा साले का मैं। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सामने आने दे, उसको बोल दूंगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और मोदी जी ये दो कमीने हैं ना, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे मालूम है। यू मुल्लास, मोदी जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे यार वीडियो को पर्सनली मत ले यार। पर्सनली लूंगा यार, छोड़ना यार। एक्चुअली हम लोग सब्सक्राइबर को डेमो दे रहे थे कि गोदी मीडिया पर विश्वास मत करो, फैक्ट जानने की कोशिश करो, देश में मजे लूटो यार। मैं यहाँ मजा लूटने नहीं आया हूँ। तो क्या इज्जत लूटने आया है? तू तेरी चमचा पार्टी पकड़, मैं मेरी पार्टी पकड़ता हूँ। 10 साल के बाद इसी पेट्रोल पंप पे वापस आएंगे, आज ही के दिन देखेंगे कौन ज्यादा पेट्रोल भरवाता है, तुम या मैं। हे हिम्मत, हे हिम्मत, तो लगा बैठ, बोल भरवाएगा, भरवाएगा। फिर पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल का खर्चा कहां से लाऊं अभी? डियर लकी, अपना वकील बोला बेईमानी एक बीमारी है, जिसको लगी उसकी लगी। जरा खिड़की से नीचे देखना मुन्ना। बूढ़े बाजू बाल पके पर हिम्मत है जवान रे, सच्चाई पे अटल खड़े ये बंदे है कमाल रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो बोलो। जुल्म की ये रात कटेगी, हाँ मोदी देगी, वाट 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 लगेगी। हम आपसे लड़ेंगे नहीं, सिर्फ आपके घर के सामने खड़े रहेंगे, तब तक जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता कि आप गलत कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि तेरी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। 2400 घंटे हम में से एक ना एक इस सड़क पर खड़ा रहेगा, अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसकी जगह लेगा। जा, हमारे फार्मर्स का बिल हटा के आ। नमस्ते। बाइक को हाथ लगा, सर्किट नहीं। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाए गाल आगे करने का, ये ले देख, नहीं मारा ना। भाई इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा अपन को। मुन्ना उन्हें वार करने दो, लेकिन तुम हाथ मत उठाना। ऐसा करने से दुश्मन के स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसकी नफरत घटती है और हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। लकी को दिखा दो, हम पलट कर नहीं मारेंगे, ना ही अपनी राह छोड़ेंगे। मोहब्बत से बिल वापस कराएंगे, लोचा किया ना तो बम्बू देंगे। ए, साला। सॉरी बोल इसको। काय को भाई? देख, बापू ने अपन को बोला ऐसा करने से इनका नफरत घटेगा और अपने लिए इज्जत बढ़ेगा। चल सॉरी बोल। ए सॉरी बोल रहा, उठ ना। वे उठता है कि दुआ रख के भाई। ओके ब्रो, फिर मिलते हैं, चल बाय।
और अगर सब्सक्राइब ना करें तो मरी है कंटा, आप तो गिरी हो जाके ताली जामा मूरख गधे। सब्सक्राइब ना करें, कितने साल हो गए हमारे चैनल पे वीडियो देखते हुए? डेढ़ साल। डेढ़ साल हो गए फिर भी वीडियो डिसलाइक करके हेटर बने घूमते हो। सब्सक्राइब ना करें हीरा बेटे, सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।